थैंक यू दितेश, हैप्पी टू बी हियर। एंड मेरा कैरेक्टर जो है उनका नाम है डॉक्टर प्रशांत। मैं एक डॉक्टर हूँ, वर्किंग विद विक्रम जैसे पहले भी किया है, बहुत इजी गोइंग डायरेक्टर एंड टैलेंटेड, एंड आई न्यू आई वॉज इन गुड हैंड्स, और एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। 20 फुट बाय 10 फुट का ग्लास, एंड उसे एक्सप्लोड होना था, पर अनफॉर्चुनेटली 2 टेक हो गए, पर कभी एक्सप्लोजन सब ग्लासेस में नहीं हुआ, कभी ये गलत हो गया, कभी कैमरा एंगल गलत हो गया, कभी एक्टर का मार्क गलत हो गया, एंड लास्ट टेक था और अंधेरा भी हो रहा था, शाम के 7 बज रहे थे। फिल्म की टीम लोग मेरे पास आते थे, सनी मैम लंच मंगा रही हैं, या आपको कुछ चाहिए, कुछ भी है, सनी चेक करती थी। एंड जैसे आप एक जर्नलिस्ट हो, अगर आपको भी कुछ कंटेंट लिखना है, अगर कोई सर पे आपके बैठा है, बोलो नहीं नहीं अभी लिखो कुछ क्रिएटिव, कुछ इंटेलिजेंट, और 5 मिनट में दे दो, आप भी स्ट्रेस्ड आउट होके इतना अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। तो क्योंकि हम लोग स्क्रिप्ट कुछ होती थी, हम लोग बोलते कुछ और थे, बाय द एंड ऑफ इट आई थिंक जो हमारी क्रिएटिव टीम थी, अमेजिंग पीपल, आई लव देम। वो लोग कहते थे तुम्हें जो करना है करो, नया आता है कोई मुझसे एडवाइस पूछता है कि हमें एक्टर बनना है, देखिए एक्टर की दुनिया, आप भी अपनी मीडिया से आप जानते हैं, एवरीथिंग लुक्स नाइस फ्रॉम आउटसाइड, आसान नहीं है, इट्स अ वेरी टफ लाइन। दुनिया भर से लोग आते हैं वहीं इंडस्ट्री ज्वाइन करना, और बॉम्बे एक बहुत महंगी सिटी है। इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट एक्साइटिंग वॉच, गुड फन फास्ट वॉच, एंड लोगों को बहुत पसंद आई। थैंक यू दितेश, आपने बोला है कीमती समय, तो प्लीज मैं अपना अकाउंट डिटेल्स आपको भेज रहा हूँ, तो ट्रांसफर कर दिएगा फंड्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बॉली क्विक के आज के इस लाइव चैट सेशन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिनेता अयाज खान जी, जिनकी स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज अनामिका 10 मार्च से एमएक्स प्लेयर पे रिलीज होने वाली है। ये वेब सीरीज सनी लियोनी जी की डेब्यू वेब सीरीज है और इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है जाने माने डायरेक्टर विक्रम भट्ट जी ने। तो अयाज खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दितेश, हैप्पी टू बी हियर। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो वेब सीरीज है अनामिका, उसके बारे में आप कुछ बताइए और ये वेब सीरीज में आपका जो किरदार है, आप जो रोल प्ले करने वाले हो, उसके बारे में आप कुछ बताइए। ओके, तो अनामिका वेब सीरीज जो है, जैसे आप जानते हैं एमएक्स प्लेयर पे 10 मार्च से स्ट्रीमिंग फ्री होने वाली है, विच इज अ ग्रेट थिंग, एंड बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। विक्रम भट्ट जी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो मैं उन्हें पहले से भी जानता हूँ, उनके साथ काम कर चुका हूँ, तो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया ये प्रोजेक्ट के लिए, और मुझे स्क्रिप्ट बताई और कहानी और मेरा किरदार के बारे में बताया, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। बिकॉज क्या है, जब आपके डायरेक्टर अच्छे होते हैं तो आप ऑलरेडी एक आपको सुकून हो जाता है कि प्रोजेक्ट अच्छा दिखने वाला है, क्वालिटी कंटेंट होने वाली है। एंड मेरा कैरेक्टर भी जैसे उन्होंने मुझे नरेट किया था, उसमें अलग अलग लेयर्स हैं, तो एज एन एक्टर आप चाहते हैं कि आप जो भी प्रोजेक्ट करें आपको परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, परफॉर्मेंस शोकेस करने का मौका मिले, अदरवाइज कोई मजा नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए काम करना, फिर मैं कोई दूसरा जॉब कर लेता, और 9 to 5। आप क्रिएटिव लाइन में है क्योंकि आपको अपनी क्रिएटिविटी आजमानी है और उससे सेटिस्फाई होना है। तो एज पर द प्रोजेक्ट आई वॉज वेरी एक्साइटेड, और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद जैसे विक्रम ने मुझे बताया था क्या प्रोजेक्ट है, कैसे सीन शूट होने वाले हैं, वैसे ही हुआ, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी एंड थैंकफुल कि ही चोज मी फॉर इट, एंड माई को एक्टर सनी, मेरे ज्यादा सीन्स सनी और मेरे ही हैं, एंड ज्यादा प्रोजेक्ट के बारे में बताना नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि दर्शक 10 मार्च बिल्कुल को एमएक्स प्लेयर पर लॉग इन करके देखें, एंड दे'ल एंजॉय इट बेटर, मेरे नरेट करने से बेहतर होगा, वो देखें, वो और एंजॉय करेंगे विजुअल अपील के साथ। एंड मेरा कैरेक्टर जो है उनका नाम है डॉक्टर प्रशांत। मैं एक डॉक्टर हूँ, ये नहीं बताऊंगा किस किस्म का डॉक्टर, नॉट बिकॉज आई गेस ये चीजें थोड़ी प्राइवेट रहे अंटिल रिलीज, बेटर है, बट ही इज अ नाइस पॉजिटिव गाय, बट विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट लेयर्स एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट सीन्स विद सनी के, आई थिंक व्यूअर्स को पसंद आएगा मेरा रोल एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट। तो अयाज जी, आप इस प्रोजेक्ट के साथ कैसे जुड़े? कैसे आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने? जैसे मैंने बोला, मैं विक्रम भट्ट जी को काफी सालों से जानता हूँ, पहले भी हमने एक प्रोजेक्ट हम शुरू करने वाले थे पर वो हुआ नहीं, तो इसलिए उनके साथ पहचान तब से है, एंड तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया इसके बारे में, एंड टोल्ड मी अबाउट इट, एंड जब नरेट किया, जैसे मैंने आपको बोला, आई वॉज रियली हैप्पी
the way the story is and mera kirdar kya hai usme, and that's it. I was on board. Ek baat hui phone pe, and that's it. Yeah, after a week I was shooting. तो अयाज जी, इस वेब सीरीज का शूटिंग कहाँ पे हुआ था और शूटिंग के दौरान का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, शूटिंग कंप्लीटली बॉम्बे में थी, बॉम्बे का ही लोकेशन था, एंड एक्सपीरियंस आई मीन इट वाज फन. जैसे यू नो, जब देखिए, जब पूरी टीम अच्छी है, जब डायरेक्टर अच्छा है, आपके को एक्टर्स अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो अपने आप आपको यू नो ऑफिस जाना, जैसे लोग ऑफिस जाते हैं, अगर आपके यू नो कॉलीग्स अच्छे नहीं है तो यू नो इरिटेशन होता है, कहता है यार हाँ उनका ही चेहरा देखना पड़ेगा फिर से. पर मेरे प्रोजेक्ट में पूरी टीम, प्रोडक्शन टीम, डायरेक्शन टीम, को एक्टर, सब इतने अच्छे थे कि सेट पे जाना अच्छा लगता था, थकान नहीं लगती थी. एंड आई थिंक मैंने कुछ, आई थिंक वी शॉट फॉर अराउंड मेबी 12-14 डेज, एंड बहुत मजा आया. ओके, तो शूटिंग के दौरान का कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहोगे? देखिए, एक्सपीरियंसेस तो बहुत थी, पर मुझे एक किस्सा याद है कि यू नो हम बंगलों में शूट कर रहे थे और पूरा विंडो ग्लास का था, कुछ मतलब 20-10 फुट का ग्लास, एंड उसे एक्सप्लोड होना था. तो एक्सप्लोजन्स लगते हैं, वो ग्लास स्पेशल ग्लास होता है, हर चीज स्पेशल होती है ताकि एक्टर्स और बाकी टीम को चोट ना लगे. और हमारे पास 3 एक्सप्लोजन्स थे, यू नो एज टेक्स के लेके, अगर कुछ गलत हो. पर अनफॉर्चुनेटली 2 टेक हो गए, पर कभी एक्सप्लोजन सब ग्लासेस में नहीं हुआ, कभी ये गलत हो गया, कभी कैमरा एंगल गलत हो गया, कभी एक्टर का मार्क गलत हो गया. एंड लास्ट टेक था और अंधेरा भी हो रहा था, शाम के 7 बज रहे थे, एंड स्प्रेड के हो जाए तो सिर्फ एक टेक शॉट के लिए हमें एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ता. और मैं भी ट्रैवल कर रहा था अगले दिन कोई दूसरी शूटिंग के लिए. लकली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो हो गया एंड वी शॉट. सो दैट वाज वन स्ट्रेसफुल टाइम ऑन द सेट, बट ऐसी चीजें होती हैं ऑन सेट, एक्साइटिंग रहता है. तो जैसा कि आपने बताया कि विक्रम भट्ट जी को आप पहले से ही पहचानते हो, तो उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? I think Vikram is a fabulous actor. I mean, fabulous director. And वो actors की, you know, जैसे कहते हैं actors directors जैसे कहा जाता है हमारी industry में, जो ये वो directors होते हैं जो actors की भी सुनते हैं. They see under, you know, do a scene from the point of view of the actor also. सिर्फ एक director के point of view से नहीं, कि actor के लिए ये कैसे आसान हो जाएगा, actor के हिसाब से ये कैसा अच्छा लगेगा. तो वो बहुत जरूरी है, because यू नो एक स्क्रिप्ट तो लिखी आती है, डायलॉग्स लिखे आते हैं, पर अगर वो राइटर एक्टर के हिसाब से नहीं लिखेगा, देन इट विल बी लाइक एज इफ मैं पढ़ रहा हूँ, परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ. तो इसलिए अगर एक राइटर या एक डायरेक्टर एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को जहन में रख के कुछ भी करे, इट मेक्स लाइफ ईजियर ऑन सेट फॉर एन एक्टर. तो विक्रम वो किस्म के डायरेक्टर हैं, चिल्ड आउट माहौल, बहुत रिलैक्स, कभी चिल्ली पुकार नहीं, हमेशा शांत. तो working with Vikram, जैसे पहले भी किया है, बहुत easy going director and talented, and I knew I was in good hands, और end result बहुत अच्छा होता. तो जैसा कि आपने बताया कि सन्नी लियोनी जी के साथ आपके काफी सारे सीन्स थे, और ये वेब सीरीज सन्नी लियोनी जी की डेब्यू वेब सीरीज है, तो उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई का पहले सनी और मेरी कभी मुलाकात हुई नहीं, बट आई थिंक शी इज अ रियली प्रोफेशनल, बहुत फन को एक्टर है, इतनी स्पोर्टिंग, हंसी मजाक सेट पे, यू नो जैसे यू नो देखिए सनी लियोनी है, यू नो वर्ल्ड फेमस है, शी इज गॉट अ क्रेजी फॉलोइंग, कुछ 45 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं उनके. पर आप उनसे मुलाकात करेंगे, इतनी चिल्ड आउट है, रिलैक्स है हमेशा. जैसे मेरे सब सीन सिर्फ सनी मेरे ही थे, जो भी प्रोजेक्ट में थे मेनली, एंड हमेशा मेरा ख्याल पास रखना. जैसे उनकी टीम लोग मेरे पास आते थे, सनी मैम लंच मंगा रही हैं, आज आपको कुछ चाहिए, यू नो कुछ भी है, सनी चेक करती थी. एंड परफॉर्मेंस वाइज भी यू नो द गिव एंड टेक सनी और हमारे था, यू नो जस्ट टीम एफर्ट जो चाहिए होता है एक्टर्स के बीच फॉर अ गुड सीन, वो बहुत था. सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर प्रोफेशनलिज्म. And I hopefully we'll work together again, because I'm sure my scenes are always good. Yeah.
अयाज खान जी, आप दिल मिल गए टीवी सीरियल से आपको काफी सारी आप के काफी सारे फैंस बने थे और काफी सारे लोग आपको वो सीरियल के रोल को अभी भी याद भी करते हैं और लोग मिस भी करते हैं वो सीरियल को, वो दिनों को। तो जब आप उन दिनों के बारे में आप सोचते हो, वो दिल मिल गए के दिनों के बारे में, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? मेरे दिमाग में बस वो ख्याल आता है कि हम लोग ने ये डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हमारे टेक पास कैसे कर देते थे, क्योंकि हम लोग स्क्रिप्ट कुछ होती थी, हम लोग बोलते कुछ और थे। बाय द एंड ऑफ इट आई थिंक जो हमारी क्रिएटिव टीम थी, अमेजिंग पीपल, आई लव देम, वो लोग कहते थे तुम्हें जो करना है करो। और लकली हम लोग जो हंसी मजाक करते थे ऑन सेट एंड जो टेक्स करते थे, ऑडियंस से हम कनेक्ट हो पाए, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा। तो आई मीन वो सेट तो पिकनिक की तरह होता था। हम जाते थे जैसे एक पिकनिक की तरह जाते थे, गेट पेड, शूट करो और आ जाओ, बहुत मजा आता था उसे। बहुत मिस करते हैं हम सब एक्टर्स वो प्रोजेक्ट को। तो आपने टीवी में तो काफी सारा काम किया हुआ है, लेकिन अभी आप ओटीटी में भी काम करने लगे हो और लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि अभी टाइम ऐसा आएगा कि टीवी जो है वो साइड में रह जाएगा और ओटीटी आगे निकल जाएगा। तो टीवी में और ओटीटी के शूटिंग में आपको क्या डिफरेंस लगा, और क्या आपको भी लगता है कि भाई अभी ओटीटी का जमाना है, वो टीवी को पीछे छोड़ देगा? देखिए, बात पीछे छोड़ने की नहीं है, ओटीटी का ये बेनिफिट है। देखिए, जब मैंने टीवी किया था, मेन टीवी का मसला क्या है, सब प्लेटफॉर्म्स आर गुड, बट टीवी का मसला ये है टाइम कंस्ट्रेंट, आप शूट करना है, कल टेलीकास्ट है, परसों टेलीकास्ट है। तो क्या है, अभी जैसे आप एक जर्नलिस्ट हो, अगर आपको भी कुछ कंटेंट लिखना है, अगर कोई सर पे आपके बैठा है, बोलो नहीं नहीं अभी लिखो कुछ क्रिएटिव, कुछ इंटेलिजेंट और 5 मिनट में दे दो, आप भी स्ट्रेस्ड आउट होके इतना अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। तो टीवी में भी वही मसला है, राइटर्स भी बेचारे कितना कंटेंट लिखते रहेंगे, कहाँ से क्रिएटिविटी निकालेंगे, यू नो। तो वक्त की वजह से उसकी क्वालिटी हैम्पर हो जाती है। एंड ओटीटी में क्या है, ऑलरेडी कंटेंट स्क्रिप्ट रेडी है, सब कुछ रेडी है लाइक मूवीज, एंड फिर आप फ्लोर पे जाते हैं, फिर एक्सिक्यूट करते हैं, फिर एडिट होता है, फिर आउट होता है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास वक्त है, ऑटोमेटिकली उसका कॉन्टेंट विल बी फार सुपीरियर, यू नो, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई मीन अगर टीवी के पास भी, अगर डेली सोप्स के पास भी वक्त होता, वो और भी अच्छा कर पाते, बट टाइम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली फर्क तो पड़ेगा ही। एंड ऑब्वियसली आई लव ओटीटी, आई मीन यू नो मुझे तो ओटीटी ही पसंद है। तो एस जी, काफी सारे यंगस्टर है जिनके लिए आप रोल मॉडल है, वो भी आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरह फिल्मों में, सीरियल में, सब जगह पे काम करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे, उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए तो वो भी एक अच्छे लेवल पे काम कर पाएंगे? देखिए, मैं जो भी नया आता है, कोई मुझसे एडवाइस पूछता है कि हमें एक्टर बनना है, देखिए एक्टर की दुनिया, आप भी अपनी यू नो मीडिया से आप जानते हैं, एवरीथिंग लुक्स नाइस फ्रॉम आउटसाइड, आसान नहीं है, इट्स अ वेरी टफ लाइन। यू नो, दुनिया भर से लोग आते हैं वहीं इंडस्ट्री ज्वाइन करना, और बॉम्बे एक बहुत महंगी सिटी है, इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, कोई भी न्यू कमर है, ओके आपको एक्टर बनना है, कोई बात नहीं, ग्रेट, वर्क टूवर्ड्स इट, अपना टैलेंट होन करिए, आइए इंडस्ट्री, अपने आपको एक टाइम फ्रेम दीजिए, यू नो टाइम फ्रेम दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर टाइम फ्रेम इतने में आप नहीं कर सकते हैं, देन यू नीड टू गो, एक सिक्योर बैकग्राउंड आपको बनाना है, ताकि आप के घर के खर्चे हो सके, वो हो सके। अगर आप समझो एक सोर्स ऑफ इनकम आपकी है ऑलरेडी, या आपने क्रिएट कर दी है, फिर आपको एक्टिंग ट्राई करना है, ठीक है, पर बिल्स भी भरने हैं, और एक्टिंग आसान नहीं है, कब काम मिले कब नहीं मिले वो तो यू नो ऊपर वाले पे है, तो वो स्ट्रेस बहुत होता है। तो आप प्लीज अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करिए, एक साइड स्ट्रीम हो इनकम की, या अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए करियर में, अगर नहीं हो रहा है देन मूव ऑन टू समथिंग एल्स, यही हमेशा मेरी एडवाइस रही है। और काफी सारे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि नहीं, एक्टर बनने के लिए हमें एक्टिंग सीखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ऑडिशन दे देंगे तो हमको काम मिल जाएगा, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हो उन लोगों को? देखिए, एक्टिंग भी एक कला है, एक आर्ट है, आपको सीखना तो पड़ता है, यू नो आप, इट्स लाइक ड्राइविंग, मुझे ड्राइविंग आती है, बस गाड़ी में बैठ के मैं रोड पे चलाने लगूं तो एक दो लोगों को मार ही दूंगा, या गाड़ियां ठुक जाएंगी, कुछ हो जाएगा, तो सीखना तो जरूरी है, सब ड्राइविंग स्कूल क्यों जाते हैं? एग्जैक्टली द सेम वे आपको सीखना तो जरूरी है, कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करें, कोई थिएटर कैंप करें,
बट जो बेसिक्स हैं, देखिए आप में टैलेंट एक्टर का हो वो अलग बात है, बट जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, वो सीखना तो बहुत जरूरी है। उसके बिना तो फिर आप सीख भी लें पर आपको उसमें टाइम लगेगा। सो इट्स बेटर एक कोर्स करें, यू नो, या थिएटर कैंप ज्वाइन करें, लर्न द बेसिक्स, इट विल जस्ट हेल्प यू। तो मैं जानना चाहूंगा, अगर आप बताना चाहते हो तो, कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? देखिए आने वाले प्रोजेक्ट, अभी मैंने एक नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये अपना क्या कहते हैं, भूल ही गया नाम प्रोजेक्ट का क्या था बट एक नेटफ्लिक्स ले एक प्रोजेक्ट अभी शूट किया है, आई जस्ट रैप्ड इट अप, उसकी बाकी शूटिंग चल रही है, मेरा रोल उसमें हो गया है, वो भी कुछ महीनों में आएगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, यू नो, ये नॉन फिक्शन है, एंड सॉरी फिक्शन है, एंड इट्स गोना बी एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। जिस तरीके से शूट किया गया है बहुत ही अच्छा है, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट। हंसल मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो इनके साथ मैंने स्कैम 92 भी किया था, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। ओके, तो ये जो आपकी वेब सीरीज आ रही है अनामिका, तो उसकी यूएसपी क्या है, क्यों लोगों को ये वेब सीरीज देखनी चाहिए, ऐसा उसमें क्या खास है कि जो लोगों को मिस नहीं करना चाहिए? देखिए फर्स्ट हमारे डायरेक्टर विक्रम भट्ट, यू नो, ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर। उनका जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं हमेशा सेंसिबल क्वालिटी कंटेंट होता है, दैट्स वन थिंग। देन यू नो जो स्टोरी है, वो स्टोरी आई थिंक पब्लिक को बहुत अच्छी लगेगी। इट्स अ वेरी सेंसिबल स्टोरी, एक्शन पैक्ड, एक्साइटिंग, यू नो। अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होता, एमएक्स प्लेयर उसे यू नो फंड नहीं करता और रिलीज नहीं करता। और जो मैंने शूटिंग की है, जो सब कुछ मैं जानता हूँ, जब तक जनता जानती नहीं है 10 तारीख को जाने की, इट्स गोना बी अ कंप्लीट एक्साइटिंग वॉच, यू नो, गुड फन, फास्ट वॉच, एंड लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो एजाज जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि आपकी ये जो वेब सीरीज है वो एमएक्स प्लेयर पे नंबर वन पे ट्रेंडिंग करे, और लोग इस वेब सीरीज को बहुत बहुत पसंद करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरे साथ बॉली क्विक के इस लाइव चैट सेशन में जुड़े, और थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू दित्तेश, आपने बोला है कीमती समय, तो प्लीज मैं अपना अकाउंट डिटेल आपको भेज रहा हूँ, तो ट्रांसफर कर दिएगा फंड्स। बाय, ऑल द बेस्ट।